नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 20 खबरों में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश को लेकर अमेरिका मीडिया ने रॉ अधिकारी पर सवाल उठाए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार का फैसला लेना काफी मुश्किल होता जा रहा है, अब गांधी परिवार ने भी दूरी बना ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में जांच की आज 3 राज्यों तक पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को आसाम से एक को गिरफ्तार किया था, वही अब दिल्ली पुलिस मामले की जांच के लिए रांची, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी जाएगी। गुवाहाटी में अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी अब तक 100 सीटों से आगे निकल चुके हैं। दोनों चरणों में हम आगे हैं, हम 400 सीट के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि देश भर के 65% से ज्यादा लोग कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, एनकाउंटर में नूह से बिश्नोई गिरोह के 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार के भागलपुर घोगा में स्कॉर्पियो पर स्टोन चिप से लदा हुआ हाइड्रा पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, मृतक में 2 बच्चे भी शामिल है। जम्मू कश्मीर पूंछ के मंडी इलाके के बेदार गांव में भूस्खलन के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का देर रात कोलकाता पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ, वह चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में 7 को मतदान है। जम्मू एवं कश्मीर में खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण उधमपुर जिले के डूडू, बसंतगढ़, कुलवंता और पंचारी क्षेत्रों में स्कूल आज बंद रहेंगे। पाकिस्तान की संसद में भारत की जमकर तारीफ की गई है, पड़ोसी मुल्क के एक बड़े नेता ने कहा कि भारत सुपर पावर बनने के करीब है और हम भीख ही मांगते रहेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान किया है, उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी की तुलना पीएम मोदी से नहीं कर सकते। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के 4थे चरण में औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा। सोमवार को औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में नाम वापसी के बाद अब कुल 37 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र शाह के फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, मौसम विभाग ने बताया कि कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। शरद पवार ने दावा किया है कि देश में अब बदलाव की हवा चल रही है, उन्होंने कहा कि बीजेपी को देश पर 10 साल तक शासन का मौका मिला लेकिन उसने लोगों को निराश किया है। पीएम ने महाराष्ट्र के सातारा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग सामने लड़ नहीं पा रहे हैं वे सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस और ईडी गठबंधन वाले आरक्षण के नाम पर झूठा भ्रम फैला रहे हैं, उनकी सच्चाई देश के सामने आ गई है और इससे वे बौखलाए हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर BCCI कई बैठकें कर रही है, वर्ल्ड कप के लिए अभी तक टीम का ऐलान नहीं हुआ है, 1 मई को टीम की घोषणा करना अनिवार्य है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह के लापता होने के बाद उनसे जुड़ी कई खबरें सामने आ रही है। हालांकि रोशन के परिवार की तरफ से अब तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं शेयर की गई है। हालांकि इस बीच भक्ति सोनी का नाम चर्चा में आ रहा है, जो 22 अप्रैल को मुंबई के एयरपोर्ट पर गुरुचरण की फ्लाइट के लैंड होने का इंतजार कर रही थी। ऐसी ही मुख्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए NBC न्यूज के साथ। धन्यवाद।